बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इंडियन आर्मी का रिटायर्ड मेजर जिसका नाम गौरव आर्या है, वो शख्स हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला रहता है और हर वक्त कोई ना कोई जहरीला मंसूबा बनाना उसकी खूबी है। यह बेचारा इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद कुछ नफसियाती सा हो गया है। इस शख्स ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अब मस्जिद के मौलवियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जहां ये फ़िरका वारियत के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना चाहता है। गौरव आर्या की गंदी सोच से भरा उसके प्लान का एक ऑडियो क्लिप, वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में सुनवाऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम के नाम पर कट मरने वाले भी यहाँ अनगिनत मौजूद हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज नहीं है। इसी वजह से लाहौर मोटरवे पर होने वाला वाकया और ऐसे कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो इस्लामी निज़ाम भी राइज होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यहाँ इस्लाम और पाकिस्तान से प्यार करने वालों की कमी है जो बैरूनी दुश्मन की साजिशों का शिकार हो जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें, और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत से भी ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज मैं ये बताऊंगा उसकी कौन कौन सी दरार है, और आज मैं ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से इन फॉल्ट लाइंस का, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और उनकी राजनीतिक दरारों का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पहली बात, पाकिस्तान में सब लोग कहते हैं कि साहब ये तो पूरे आलम इस्लाम में है ना शिया सुन्नी का, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर बलूचिस्तान के बारे में लोग बात करते हैं, सिंधु देश के बारे में बात करते हैं लोग, पश्तूनिस्तान के बारे में बात करते हैं, सराइकी इलाके जनूबी पंजाब के बारे, ये सब है। हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर और एथनिक स्ट्राइक पाकिस्तान के समझनी पड़ेगी कि है क्या पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कितने देवबंदी हैं और कितने बरेलवी हैं, विद बरेलवीज बीइंग द मेजॉरिटी सेक्शन पाकिस्तान के, राइट। फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं, क्योंकि तो शियाओं में आपके सेवनर्स कौन हैं, आपके ट्वेल्वर्स कौन हैं, आपके इस्माइलीज कौन हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अहले हदीस कौन हैं, और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट। जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें फॉल्ट लाइन कहाँ है। तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहाँ पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं, और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलीज एंड देवबंदीज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ बिगेस्ट प्रॉब्लम, अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदियों बरेलियों के बीच में बड़ा कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हज़ारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में धार काट दी है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी, नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं कट सकते भाई, इनको कुरान माननी ही नहीं है, जाहिल है ना, इनको माननी नहीं है तो माननी नहीं चाहिए, मान लो फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव, की ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो ये काम बन सकता है। अब कैसे होगा ये, आप इनके मौलवी हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। सम ऑफ द
मोस्ट क्रैस क्रिमिनल एलिमेंट्स आर फ्रॉम द लर्जी इन पाकिस्तान। अच्छा इंडिया में नहीं है ऐसा, इंडिया में नहीं है ऐसा। अगर आप देखें इंडिया के मौलवियों में ये सब नहीं गंदगी की, एक आधा केस तो हर जगह निकल ही जाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में खास तौर से है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर में बैठे ना वो लोग, दे आर पाकिस्तान, यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। कभी भी देखना आप पाकिस्तान को गाली दे दो, पाकिस्तानी एक बार झेल जाएगा। अब इस्लाम को कि सबसे ज़्यादा अगर मॉरल कैरेक्टर कहीं खराब है, वैसे पाकिस्तान का ज़्यादातर का ऐसा ही मामला है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं मॉरल कैरेक्टर खराब है तो उनके मौलवियों का। और इन मौलवियों की सबसे ख़ास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे, तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपये का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ही 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलते देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2,00,000 रुपये फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे, आपके पास या मॉरिशस से, कैमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपये हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का सब कुछ वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे, इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है, आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करते हैं पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो, आप उसको पैसा दीजिए। एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे, और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है देवबंदी कौन है अहले हदीस कौन है सेमिनार कौन है गलवर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो, लेकिन उसमें गंद किसने डाली, मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें, हम मुसलमानों ने तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फ़ायदा उठाओ। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम है, और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए भैया आप एक काम करिए, आप बरेलियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफ़िर ये वाजिब उनका है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थवे का जाएगा। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहाँ पर साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक ज़माने में जबकि उनके पास नोबल प्राइज बना रहे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया, ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमज़ोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू आप खा दे रहे हैं, इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे कि उनके जो रिलीजियस डिवाइड है उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा, कैसे अंदर घुसना है, और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, ये आराम से काम हो सकता है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसने हमें सबूत दिए हैं, पाकिस्तानियों ने साहब हमें हर साल सबूत दिए हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हमें मौका तो दीजिए साहब, हम उसकी गर्दन उतार दें। बलूचिस्तान ज़रूर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन हमें ये देखना है किस तरीके से हम पाकिस्तान में ये जो फ्रैक्चर्स हैं, ख़ास तौर से जो रिलीजियस एथनिक फ्रैक्चर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएं। हमें भी फ़ायदा उठाना पड़ेगा, और ख़ास तौर से देवबंदी बरेली के बीच में, शिया सुन्नी के बीच में, वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी खाई है। आपको कुछ नहीं करना, वो खेत बना हुआ है, वो उपजाऊ खेत है, आपको उसमें बीज डालना है बस। वो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, कहते हैं ना इकबाल को कोट करके, मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, वो अपने आप पकड़ लेगी, क्योंकि इन्होंने हमें एक
मॉडल दिखा रखा है पाकिस्तान की। पूरी पाकिस्तानी कौम ने 72 साल से लगातार हम लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन हर साल हमें मॉडल दिखा रहे हैं। हमें बहाना तो दीजिए, हम दूसरे पाकिस्तानी को कैसे गला उतारते हैं। तो फायदा उठाने वाली बात है, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या RSS ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर शिया का। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद कराची में नारा लगा कैसे? तो साहब जब उनको पता लगा ज़रबे आज़ हुई, जब लॉन्च हुआ ज़रबे आज़, तो उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा सा हमारे फॉट लाइन में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा डाउन प्ले कर दिया। अब सऊदी अरब ने जब हाथ पीछे खींच लिया, तुम्हारे भाई का वही बन सऊदी अरब दोबारा पैसा देगा, जैसे काफिर काफिर शिया काफिर कहाँ जा रहे हैं, शिया कहाँ रखे? तो सिर्फ सुन्नी शिया की बात नहीं, बरेलवी और देवबंदी इनके बीच में जो दरार है, प्रेजेंट है, उस दरार को और चौड़ा करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, डन, आप कह रहे हैं ना वाजिबुल कत्ल, चलिए मान लेते हैं, लेकिन भैया तुम भी तो किसी के लिए वाजिबुल कत्ल हो। तो कौन है जिसके लिए बरेलवी वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तान में, उसके हाथ मजबूत करो। तो कौन है जिसके लिए देवबंदी वाजिबुल कत्ल है, उसके हाथ मजबूत, क्योंकि ये आपस में मैं फसाद करवाने वाली बातें नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग खुद एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनको रास्ता तो दिखाओ कि गर्दन है कहाँ, ये हाथ पैर में चुड़ियाँ मारते रहते हैं, तो जरा ऊपर तो ये है, ये करो, तब जाके लोग लाइन में आएंगे। और यही सच्चाई है पाकिस्तान की। ये फिर मैं कह रहा हूँ, किसी यहूदी ने, किसी हिंदू ने, किसी RSS वाले ने नहीं करा, 1400 साल से यही इतिहास चला जा रहा है कि एक दूसरे को काट रहे हैं। और बाकी सब लोग समझ गए दुनिया भर के मुसलमान, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो साहब ये देवबंदी ये है, बरेलवी है, इसका ये, तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिंपल सिचुएशन। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए इन्फो इनसाइट।